एक तरफ महाराष्ट्र में देखिए सियासी भूचाल मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ सरकारी फैसले भी लिए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पिछले चार दिन में हजारों करोड़ रुपए के 280 सरकारी आदेश जारी किए गए हैं। ज्यादातर आदेश अलग अलग योजनाओं के लिए होने वाले खर्च से जुड़े हुए हैं। आपको याद दिला दें कि बीजेपी के बड़े नेता और विधान परिषद में विपक्ष के नेता की तरफ से भी इस तरह की बात कही गई थी और राज्यपाल को, विपक्ष के नेता प्रवीण दारेकर ने राज्यपाल को चिट्ठी भी लिखी थी और इस तरह के सरकारी फैसले पर रोक की मांग भी की थी। इस पर पूरी जानकारी देने के लिए रौनक कुकड़े हमारे साथ जुड़ गए मुंबई से, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। रौनक, एक तरफ सियासी भूचाल मचा हुआ है, सरकार की क्या स्थिति होगी आने वाले दिनों में अभी यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, खींचतान मची हुई है और उस बीच अचानक इतनी बड़ी संख्या में शासनादेश जारी हो जाते हैं। जो निश्चित तौर पर आदर्श, और यही वजह है कि अब विपक्ष जो है इस पूरे प्रक्रिया पर जी रौनक अपनी बात पूरी सवाल खड़े करता हुआ दिख रहा है। दरअसल जो जानकारी उपलब्ध हो रही है उसके मुताबिक देखिए, जो जानकारी आदर्श पूरे इस वक्त सुनने को मिल रही है वो ये है कि करीबन 280 ऐसे आदेश है जो पिछले चार दिनों में सरकार द्वारा जारी किए गए, और मुख्य तौर पर 21 जून को बगावत जो है वो एकनाथ शिंदे की तरफ से की गई थी। लेकिन मुख्य तौर पर अगर देखें जो महाविकास आघाड़ी के घटक दल है जिसमें कांग्रेस और NCP भी शामिल है, और ऐसे में ये दोनों पार्टियों की तरफ से जो है वो GR निकालने की होड़ सी जो है वो मची हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो सूत्र बता रहे हैं कि करीबन 1600 करोड़ रुपए की जो राज्य कोष की राशि है वो पूंजी इस GR की वजह से खर्च हो सकती है, और इसलिए नेता विपक्ष प्रवीण दरेकर ने राज्यपाल को खत लिखकर इस जो GR जारी किया उसमें रोक लगाने की मांग की है जी। लेकिन बड़ी बात जो समझने वाली है कि जिस स्थिति में सरकार है उस स्थिति में अचानक पिछले दो दिनों में, तीन दिनों में इस तरह के फैसले अचानक क्यों हो जाते हैं, वजह क्या है इसके पीछे, सीधे तौर पर कैसे इसको देखें जी। देखिए आदर्श, जिसको इस बात को समझना होगा कि जिस तरह से लगातार सरकार जो है वो अल्पमत में, और कुछ लोगों को इस बात का अंदेशा हो गया है कि शायद सरकार जो है गिर सकती है, इसलिए फटाफट ये सब काम जो है वो निपटाने की कोशिश की जा रही है। और इसी को लेकर बीजेपी ने आपत्ति जताई है और गवर्नर को खत लिखा है कि आप ये रिव्यू कर इस पूरे जिस अभी पिछले चार पाँच दिनों में जो आदेश जारी किए गए इसको तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। हालाँकि फिलहाल गवर्नर ऑफिस ने इस पर कोई भी जो है वो फैसला नहीं लिया, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो सरकार जिस तरह से यह आदेश जारी कर रही है इसको लेकर आपको बीच में रोक रहा हूं, विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दारेकर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, आखिर वजह क्या है कि अचानक दो तीन दिनों में इतने फैसले हो जाते हैं, 280 फैसले और हजारों करोड़ रुपए इशू हो जाते हैं? इसके पीछे शंका है क्योंकि सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो निर्णय अढ़ाई साल में सरकार कुछ भी ले नहीं पाई और दो तीन दिन में 150-150, 200-200 GR निकल रहे, इसके पीछे शंका है, गैर व्यवहार की शक्यता दिखाई पड़ी। और राज्य में अभी पॉलिटिकल जो अस्थिर का वातावरण है पॉलिटिकल, तो इसलिए गलत चीज न हो, उसके पीछे गैर व्यवहार न हो, इसलिए कहीं गर्दी में निर्णय न हो, इसलिए इसी तरह का लेटर मैंने राज्यपाल महोदय को दिया था। क्योंकि आप देखोगे महाराष्ट्र में जो होम डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट के बदली के बारे में पूरे महाराष्ट्र का नाम बदनाम सरकार का हुआ और दस्तूर खुद होम मिनिस्टर ही जेल में गया। तो मुझे लगता है इसी तरह वापस न हो, गलत चीजें न हो, उसके माध्यम से भ्रष्टाचार न हो, गैरव्यवहार न हो, इसकी चिंता करके ये मैं लेटर महामहिम राज्यपाल महोदय को दिया था। लेकिन प्रवीण जी, एक बात बताइए, जो इस तरह की स्थिति महाराष्ट्र में बनी हुई है, एक तरीके से अल्पमत में नजर आ रही है सरकार, आगे क्या होगा अगले दो तीन दिनों में किसी को अभी ठीक तरीके से पता नहीं है, कोशिश की जा रही है कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए, इस बीच इस तरह से फैसले, 280 से ज्यादा शासनादेश जारी हो जाते हैं? नहीं, वही गलत है ना, मैं बोला अढ़ाई साल में हम कुछ नहीं कर पाए, अढ़ाई साल में हम लोगों के हित के निर्णय नहीं ले पाए, विकास नहीं कर पाए, अनेक प्रकल्प अधूरे, वो आगे लेने के लिए हम लोग कुछ प्रयास नहीं किया, तो ऐसा क्या हुआ कि एक दिन में 160 GR, 100 GR सब बदलियों का फाइल तुरंत मंगाने का, बदलियों के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाया था
उठाने का, इसके पीछे शंका है, गैर व्यवहार होने की शंका है, भ्रष्टाचार होने की शंका है जी। इसलिए इसी तरह का लेटर देके वो रुकाने की स्थगिति की मांग हमने की है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका दरेकर साहब हमसे जुड़ने के लिए, पूरी बात अपने रखने के लिए। प्रवीण दरेकर को आप सुन रहे थे, विधान परिषद में विपक्ष के नेता हैं और सवाल उठा रहे थे जिस तरह से शासनादेश जारी किए गए हैं। शहर अंग्रेजी लगे हैं। वो बहुत दूर है। आपको पता होगा हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।